सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। टॉपिक जो, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। ओके, सो द टॉपिक गिवन टू मी इज ऑन सॉफ्ट स्किल्स, और ये सॉफ्ट स्किल का एक बहुत मतलब ये ओपन एंडेड काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। And most of the discussions that I would have in this session is with respect to my industry experience. So this a short brief on my profile. I come with 35 years plus of industry experience. Most of my experience has been in leadership positions across various organizations like Birla Corporation, Shyam Telecom, Reliance Communication, Vodafone India, or मेरे इस 35-37 साल के पीरियड में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, एंड वी आल्सो अटेंडेड लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे आईएम बेंगलोर में दो स्टिंट में स्ट्रेटेजिक लीडरशिप प्रोग्राम की ट्रेनिंग अटेंड करने को मिली, वंस व्हेन आई वाज इन रिलायंस कम्युनिकेशन एंड द सेकंड टाइम व्हेन आई वाज विद वोडाफोन शेयर्ड सर्विसेज। सॉफ्ट स्किल जो है ये बड़ा एक वास्ट टॉपिक है, इसमें ओपन एंडेड है, और इसमें अगर हम देखें तो टीम वर्क, पर्सनैलिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरव्यूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो आई पिक सम ऑफ दोज टॉपिक्स, एंड सम ऑफ द टॉपिक्स दैट आई वुड बी टॉकिंग टूडे वुड बी अराउंड कम्युनिकेशन। कुछ ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन, टीम प्लेयर, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, वर्क एथिक्स, फोर्सेस। इसके अलावा भी अगर कोई डिस्कशंस करना चाहे तो हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर और डिस्कस कर सकते हैं, और इट वुड बी गुड अगर आप लोग बीच में इसको इंटरेक्टिव रखें, अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, और साथ ही चैट विंडो पर भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है, एंड दिस कम्युनिकेशन इज बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। सेंडर सेंड्स अ मैसेज, रिसीवर हियर्स एंड रिस्पॉन्ड्स। सेंडर कैन अगेन क्लैरिफाई एंड रिसीवर कैन कंफर्म। अगर ये हो जाए तो दिस इज अ वेरी आइडियल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, कि बोलने वाले ने अपना मैसेज बोला, सुनने वाले ने उसको सुना और उसको रिपीट करके बोला कि भाई हाँ मैंने ये कहा था, सेंडर ने कंफर्म करता है, दिस मैसेज गेट्स, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अगर आप देखेंगे एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कि एक गेम होता है जिसमें हम लोग एक लाइन में खड़े होते हैं और एक मैसेज होता है जो कि मैं पहले वाले के कान में कहूंगा, फिर सेकंड पर्सन जो है थर्ड के कान में कहेगा। इस तरह से हम जब उस मैसेज को लास्ट में सुनेंगे तो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड मैसेज मिलेगा, because message gets distorted when it gets communicated through multiple channel. However, it is important ki agar communication complete hona ho to humne jisne message start kiya tha usse se hum confirm kare ki jo maine samjhaya whether that message is the same or not. As part of the communication process, most of the time agar hum dekhte hain to 16% time is spent on reading, 9% of the time is spent on writing, 30% of the time aajkal hum log bahut zyada बातचीत कर रहे होते हैं, या 45% ऑफ द टाइम इज ऑन लिसनिंग, या तो हम मोबाइल फोन्स में बोल रहे होते हैं, या मोबाइल फोन्स में सुन रहे होते हैं, या मीटिंग्स में होते हैं, सेमिनार्स में होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होते हैं। मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो टॉकिंग एंड लिसनिंग में जाता है, और ये वाला जो कम्युनिकेशन का जो फॉर्म है टॉकिंग लिसनिंग वाला, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लूज कर जाते हैं। वेरेज आप जब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट लिख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं वो उसको जब किसी और को पास ऑन करते हैं तो वो बिल्कुल एक फॉर्म कम्युनिकेशन होता है। तो एक लिसनिंग का डायलेमा है कि हम लोग करीब 150 शब्द एक मिनट में बोल सकते हैं, वी कैन स्पीक अबाउट 150 वर्ड्स पर मिनट, वी कैन ऑल्सो हियर 1000 वर्ड्स पर मिनट। तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि हम 1000 शब्दों को सुन सकते हैं, और उसमें से हम कितनों को ग्रास्प कर सकते हैं, कितनों को रिटेन कर सकते हैं, इतना को समझ सकते हैं, वो एक अलग चीज है। एंड वी कैन थिंक 50 थॉट्स पर मिनट। अगर आप देखेंगे कि इन नंबर टर्म कि करीब 150 वर्ड्स हम बोल सकते हैं पर मिनट, 1000 वर्ड्स हम पर मिनट सुन सकते हैं, और 50 विचार जो है थॉट्स है वो हमारे दिमाग में किसी समय पे
आ या जा रहे हो सकते हैं. तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर इफ यू सी. और इसीलिए कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम द कम्युनिकेशन गेट्स डिस्टॉर्टेड जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं. कुछ चीजें जो कि लिसनिंग की बैड हैबिट्स हैं कि आई इंटरप्ट ऑफन और ट्राई टू फिनिश अदर पर्सन सेंटेंसेस. मतलब एक जना कह रहा है और दूसरे जने ने उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है. तो ये जो है लिसनिंग की बैड हैबिट है. मतलब वी शुड एक्चुअली हैव अ गुड ईयर और पेशेंट ईयर कि हम एक शांति से दूसरे की बात को सुने रादर देन सेइंग कि नहीं मेरे को समझ में आ गया मैं उसको पूरा कर दूं. देन दूसरी चीज़ है कि हम कई बार कंक्लूजन्स के ऊपर जंप कर जाते हैं. मतलब हम पूरा सुनने के पहले ही कंक्लूड करने लग जाते हैं कि अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो. काट लेते हैं किसी जो बात को बीच में काट लेते हैं. आई एम ऑफन ओवरली पेरेंटल एंड आंसर विद एडवाइस. जब हम एक जब ट्रांजेक्शन होता है दो जनों के बीच में तो एक मतलब वो चाइल्ड हो सकता है एडल्ट हो सकता है या पेरेंट हो सकता है. तो हम वेरी ऑफन हम लोग पेरेंटल फॉर्म में चले जाते हैं जहाँ पे कि हम एडवाइस कर रहे होते हैं. और इवन अगर हमसे पूछा नहीं गया है तो भी हम लोग बहुत ज़्यादा एडवाइजरी मोड में आ जाते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट है कि आई मेकअप माई माइंड बिफोर आई हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन. तो हम बहुत जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं. पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम उसको बिना पूरी तरह से समझे हुए हम उसके ऊपर अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करना शुरू कर जाते हैं. हम एक लिसनिंग के ये भी एक बैड हैबिट है कि आई एम ए कंपल्सिव नोट टेकर. हम लिखने में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत लगातार लिख रहे होते हैं लिखने में ही ध्यान देते हैं जबकि जो जो एक एसेंस होता है उस एसेंस को हम लोग लूज कर जाते हैं जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है. आई डोंट गिव एनी रिस्पॉन्स आफ्टरवर्ड इवन इफ आई से आई विल. तो अगर हमसे पूछा जाता है कन्फर्मेशन के लिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया तो हम उसमें नहीं कन्फर्म करते हैं. कई बार हम नहीं भी समझ में आया तो सिर हिला लेते हैं चाहे वो और वो भी हम दोनों तरीके से अगर जैसे हम ना के लिए सिर हिलाते हैं तो उसको हाँ के लिए भी हिला देते हैं और जो हाँ वाला सिर है उसको ना के लिए भी हिला देते हैं. आई एम इम्पेशेंट. मतलब मेरे में पेशेंस नहीं है और मैं इजिली जंप कर जाता हूँ कन्फ्यूजन्स के ऊपर पूरी बात नहीं सुन रहा होता हूँ. आई लूज माई टेम्पर वैन हियरिंग थिंग्स आई डोंट एग्री विद. जो मुझे जो मैं सुनना चाहता हूँ उस तरह की बातें नहीं सुनाई दे रही हैं या जिस चीज़ से मैं एग्री नहीं हो रहा हूँ तो मैं एकदम से अपना टेम्पर लूज कर जाता हूँ. मुझे गुस्सा आ जाता है. मैं मीटिंग में जोर जोर से बोलने लग जाता हूँ. तो ये भी एक लिसनिंग की बैड हैबिट है. आई ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट टू समथिंग दैट रिलेट्स टू माई ओन एक्सपीरियंस. हम कई बार अपने एक्सपीरियंसेस के साथ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था उसके साथ रिलेट करने लग जाते हैं जबकि वो शायद अनरिलेटेड भी हो. आई थिंक मोर अबाउट माई रिप्लाई वाइल द अदर पर्सन इज स्पीकिंग देन वॉट ही और शी इज सेइंग. हमारा ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है कि हम इसको क्या रिप्लाई करेंगे या ये क्या कहना चाह रहा है. मतलब उसकी बात को पूरी तरह से सुने भी नहीं हम कंक्लूड करके इस चीज़ के लिए हमारे दिमाग में ये विचार आ रहे होते हैं कि मुझे नेक्स्ट क्या कहना है. तो ये लिसनिंग की कुछ बैड हैबिट्स हैं जिसको कि हम लोग अगर धीरे धीरे कुछ चीज़ों के ऊपर अगर हम फोकस करें तो वी कैन इम्प्रूव अपॉन दिस. एनी क्वेश्चन और कैन यू कोरिलेट कि ऐसा हमारे साथ होता है कई लोगों के साथ या कुछ लोगों के साथ होता है. So let me go to next slide then. नहीं ये बिल्कुल exact है सर. ये होता ही है सभी के साथ है. इसमें कोई दोराय नहीं है. थैंक यू जी. मेरे ख्याल से अगर हम लोग कोशिश करें सारी चीजें तो देखिए रातों रात ठीक भी नहीं होती है पर अगर हम कोशिश करें कुछ पॉइंट्स के ऊपर काम करने की कोशिश करें तो कुछ चीजों को शायद हम ठीक कर भी पाएंगे. और कई बार हम देखेंगे कि कई बार हम कोई मीटिंग कर रहे होते हैं या कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो दूसरे हमें इंटरप्ट कर रहे होते हैं तो वो क्यों इंटरप्ट कर रहे होंगे. तो ये अगर हम अपनी हैबिट ठीक करेंगे धीरे धीरे तो बाकी लोग भी उसमें उस हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं. यस सर. तो हम लोग हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हम पब्लिकली बोलना शुरू करें. कई बार ऐसा भी कहते हैं कि आप मिरर के सामने बोलना शुरू करिए. आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी पे बोलना शुरू करिए. तो स्लोली आपको एक कॉन्फिडेंस आने लग जाता है. यू स्टार्ट पिकिंग राइट वर्ड्स यू स्टार्ट पिकिंग राइट सेंटेंसेस एंड इट हेल्प्स यू. अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग कई बार जब हमें बोलना होता है तो हम राइट वर्ड्स नहीं पिकअप कर पाते राइट सेंटेंसेस नहीं पिकअप कर पाते हम राइट सीनेरियोस के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते. तो पब्लिक स्पीकिंग की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके लिए वन शुड स्टैंड अप एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. स्लोली जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं तो वो स्किल भी इम्प्रूव होते जाता है.
सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है कि वी मस्ट बी एक्टिव लिसनर. अगर हम एक्टिव लिसनर हैं तो हम कम्युनिकेशन के परस्पेक्टिव से जो जब हम सुन रहे हैं तो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, और जब हमें रिस्पॉन्ड करना है तो वी वुड ऑल्सो बी एबल टू रिस्पॉन्ड. हम कई बार लिखने में चले जाते हैं कि हम नोट्स लिख लेते हैं या और चीजों में चले जाते हैं, जबकि एक्टिव लिसनर एम्पैथी होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. जब आप बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए. कई बार हम जेब में हाथ डाल लेते हैं, पीछे हाथ कर लेते हैं, उंगलियों को दबाने लग जाते हैं और उंगलियों की टक टक आवाज करने लग जाते हैं, तो इस तरह की चीजों में एक नर्वसनेस आती है. बट अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, आपने खड़े होते हैं दोनों हाथों को आगे रखते हुए ठीक से बातचीत कर रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है आपके सेंटेंसेस से ज्यादा कई बातें कह जाती है. देर आर मेनी टूल्स ऑल्सो लाइक टेक्निकल टूल्स हैं, ब्लैक बोर्ड, रेडियो, BBR है, टेल्की है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स. दिस वॉज ऑल ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स. एनी क्वेश्चन ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स? So let me move to the next topic, and this topic is on team player skills. So ये कहीं भी हम काम, कहीं भी अगर हम हो, चाहे हम अपने घर पे कहो, चाहे हम कहीं अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, हम पब्लिकली काम कर रहे हो, तो टीम प्लेयर स्किल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है. और ये स्किल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये हमको एक आगे बढ़ने की, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने की अपॉर्चुनिटी देता है, और एक कल्चर इम्प्रूवमेंट की भी अपॉर्चुनिटी देता है. और इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, लैंड अ हेल्पिंग हैंड. मतलब अगर हम टीम प्लेयर हैं तो हम एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने के बजाय, अगर किसी को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प की जरूरत है, कोई किसी के लिए आपको अगर खड़े होने की जरूरत है कि जैसे ऑफरिंग कवर फॉर समवन, अगर कोई नहीं है उसके, मतलब किसी को अगर एक्सीजेंसी हो गई है तो उसके बदले आप बोले कि हाँ मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले लूंगा, या अगर कोई हम एज ए टीम खड़े हैं और टीम में अगर एक टीम मेंबर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, या ही इज नॉट एबल टू आंसर ए क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ ए क्लाइंट, तो दूसरा जना जो उसको कवर कर सकता है, दैट पर्सन कैन स्टैंड अप एंड कवर एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस. इसका मतलब है कि अगर हमने कोई चीज की है और चाहे उसका कुछ गलत हो गया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी चाहिए, रादर देन शिंकिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीम प्लेयर का कि बिल्डिंग ट्रस्ट. अगर आपने ट्रस्ट टीम में बिल्ड कर लिया तो देन टीम मेंबर्स स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर एंड वर्क्स लाइक अ वेरी कोहेसिव यूनिट. लेट मी ट्राई टू शो यू वन वीडियो. वीडियो दिख रहा है आपको? जी जी सर. ओके. ये जो है बड़ा टीम में बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जहाँ पे कि आप एक दूसरे का ट्रस्ट विन करते हैं, एक कॉमन विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, टीम के कॉमन गोल के ऊपर काम कर रहे हैं. यू आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर बट यू आर कम्पीटिंग एज ए टीम. Oh,
अगर आप देखेंगे कि जो बूज वाला एग्जाम्पल था उसमें एक टीम प्लेयर वाली जो बात थी, ऑफरिंग कवर फॉर समवन था, लैंड ए हेल्पिंग हैंड था कि ये गूज जब अलग हो जाता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, ट्रस्ट बिल्डिंग की बात थी कि जो आगे जो सबसे आगे चल रहा होता है तो सबसे विश्वास करते हैं कि भाई वी ऑल आर मूविंग इन दी राइट डायरेक्शन। ऑफरिंग कवर फॉर समवन में था कि भाई जब सामने वाला थक जाता है तो पीछे वाला कोई और गूज एकदम आकर के लीड करने लग जाता है। तो इफ वी नीड टू बी सक्सेसफुल एज अ टीम, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक टीम प्लेयर में एक सक्सेसफुल टीम प्लेयर की तरह एक्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में मैं अपने आप को कैसे मैनेज कर सकता हूँ वाली बात आ रही है कि हाउ कैन आई मैनेज माई सेल्फ बेटर इन माई डे टू डे लाइफ। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि टाइम मैनेजमेंट की बात है। टाइम मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट है इफ़ यू हैव टू अटेंड ए मीटिंग, वी अटेंड ए मीटिंग इन टाइम, वी फिनिश मीटिंग्स इन टाइम, वी इंश्योर दैट वी स्टैंड टू अवर कमिटमेंट्स। हमने कोई चीज़ कही है कि हम उसको इस वक्त कर देंगे तो हम उसको डिलीवरी कर दें। ये कई बार हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर देखा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मीटिंग्स जो है वो दे विल स्टार्ट लेट। आई एम ग्लैड टू सी कि हमारी आज मीटिंग 2:30 पर स्टार्ट होनी थी तो वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड बिफोर 2:30 और वी स्टार्टेड एग्जैक्टली इन टाइम। बट अगर आप बहुत सारी मीटिंग्स देखेंगे जो हमारी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें अगर 2:30 मीटिंग शुरू होनी है तो लोग उस रूम के अंदर फिजिकली अगर आना होगा तो 2:35, 2:40, 2:45। कई बार बॉसेस जो है जो मीटिंग के जो चेयर करने वाले हैं कोई आधा आधा घंटा लेट आते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का एक पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा रह जाता है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि हमारे वोडाफोन शेयर सर्विसेज में देयर वाज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय द नेम थॉमस एंड ही वाज अ जर्मन। तो वो सुबह 10 बजे मीटिंग के लिए कॉल करते थे, उन्होंने देखा कि मीटिंग में लोग आ ही नहीं रहे हैं। मतलब मुश्किल से अगर 10 लोगों की मीटिंग उन्होंने 10 बजे कॉल की तो 3 लोग आ रहे हैं। तो 2-3 बार तो ऐसा चला उसका, उन्होंने क्या किया कि 10 बजे वो मीटिंग के अंदर दरवाजे को बंद करके दरवाजे के पास ही अपनी चेयर लाके अपनी मीटिंग शुरू कर लेते थे। मैनी सीनियर पीपल हु वर टू अटेंड मीटिंग और वो ट्रैफिक जैम के कारण और बिकॉज ऑफ सम एक्सक्यूज अदर एक्सक्यूज दे वर कमिंग लेट, दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, बट देन दे गॉट द मैसेज कि हमें नेक्स्ट टाइम पे आना है। तो जर्मन्स आर नोन फॉर देयर टाइम मैनेजमेंट। अगर उन्होंने कमिट किया है कि हम इतने बजे मीटिंग शुरू करेंगे तो राइट फ्रॉम अ जूनियर पर्सन टू अ सीनियर पर्सन will be there in the meeting right at the time. So बड़ा important है कि हम अपने time management को ensure करें, meetings को timely complete करें, commitments को timely complete करें, and जो अगर हमें कुछ outcomes देने हैं, deliveries देनी है, हमें कोई approvals देनी है, कुछ भी करना है तो we do it as per the committed time. Responsive में बड़ा important होता है कि हमारे पास कई बार हमारे पास files आती हैं, emails आती हैं और हम सब उनका एक बैकलॉग क्रिएट हो रहा होता है। तो अगर आप देखेंगे कि 80% ऑफ द टास्क ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको जब आपने उसको पढ़ा और उसको उसी वक्त क्लोज कर दिया, अगर कोई ईमेल आई है तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। हार्डली 15-20% ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टास्क होते हैं, मेल्स होती हैं जहाँ पे कि इट नीड्स टाइम, इट नीड्स थिंकिंग एंड इट नीड्स स्लीप ओवर कि आपको उसके ऊपर 1-2 दिन सोच के उसके ऊपर डिसीजन लेना है। बट हम 80% ऑफ द थिंग्स वी कैन एक्चुअली कम्प्लीट एज एंड वेन देर इज अ नीड। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिव टू द अदर पर्सन्स नीड एंड वी रिस्पॉन्ड टू दैम। पेशेंट होना बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो सुनने की बात हो, आपके टीम मेम्बर की बात हो, आपके वेंडर्स की बात हो सकती है, आपके क्लाइंट्स की बात हो सकती है। तो एक पेशेंट हियरिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी बिकम इम्पेशेंट, हम आधी बात सुन के पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं, तो देन इट लूजेस इट्स पर्पस। बीइंग फोकस्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। और साथ ही आपका अगर हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, अगर इन 4 चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर लें कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। वीकनेस हो सकता है कि मैं इम्पेशेंट हूँ, वीकनेस हो सकता है कि मैं अपने फोकस को लूज कर जाता हूँ, है ना। हम अगर अपनी वीकनेस को ऑनेस्टली आइडेंटिफाई कर लें कि मेरी वीकनेस क्या है, वीकनेस ये भी हो सकती है कि मैं मीटिंग्स पे टाइम पे नहीं जाता हूँ,
मैं कई चीजों को टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, तो वी कैन वन कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज वीकनेसेस एंड सी कि ईच वन ऑफ देम कैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेंथ। तो वीकनेस आइडेंटिफाई करने का पर्पज ये होता है कि आप वीकनेस आइडेंटिफाई करके उसको अपनी स्ट्रेंथ में लिवरेज करना शुरू कर दें। अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटीज अगर हमें मालूम हो कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो वी कैन वन बाय वन स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हमें एक स्किल बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटी हो, या हमें अपने एक नया कोई नया स्किल सीखना है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हमें कोई नई ट्रेनिंग करनी है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हमें कोई नया कोर्स लॉन्च करना है, प्रोग्राम लॉन्च करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना है। एंड अपॉर्चुनिटी कैन बी कि देर इज ए गुड जॉब कमिंग इन द मार्केट। उस तरह की अगर हमें अपॉर्चुनिटी मालूम कि कौन कौन सी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, तो अपॉर्चुनिटी कुड ऑल्सो बी अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, देन दैट अपॉर्चुनिटी कैन बी फोकस अपॉन, एंड हम उस अपॉर्चुनिटी को क्लोज करने की कोशिश कर सकते हैं। थ्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, और थ्रेट्स जो है वो एक तरह से हमारे रिस्क भी कहलाते हैं। एंड इफ यू नो द थ्रेट्स, देन हम उसके मिटिगेशन प्लान के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर हम कोई कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं, हम कोई प्रोग्राम लॉन्च करना चाह रहे हैं, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेम चीज करना चाह रहा है, और मे बी उसके पास जो ऑडियंस है वो बेटर है, ऑडियंस है, स्पीकर्स बेटर ऑडियंस है, सो हाउ कैन वी वर्क ऑन दोज थ्रेड्स एंड सी टू इट कि हम उन थ्रेड्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लें, अपनी अपॉर्चुनिटी के ऊपर कन्वर्ट कर लें। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ थ्रेड्स के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट कि लिस्ट देम डाउन, एंड एट द सेम टाइम हम उन थ्रेड्स पर काम भी करें। बिजनेस वर्ल्ड में देखेंगे तो आजकल कई सारे ऐसे थ्रेड्स आ रहे हैं जो कि विच आर नॉट थॉट ऑफ। अगर देखेंगे जो मोबाइल फोन्स आए थे, तो मोबाइल फोन्स वेयर टिपिकली फोन और डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, हम कहीं पे भी बात कर सकते हो, हम मूव कर रहे हैं तो भी हम ऑलवेज कनेक्टेड रहेंगे, एक हैंडी डिवाइस होगी हमारे पास, फ्लेक्सिबल डिवाइस होगी, और उसके थ्रू हम सिंपल मैसेजेस भेज सकते होंगे। बट देन हु वुड थॉट कि इसमें डेटा आएगा, डेटा इतना पावरफुल हो जाएगा कि आपकी पूरी ई कॉमर्स शॉप उसके अंदर आ जाएगी, आप मूवीज देख सकते हैं, आपको कैमरा मिल जाएगा, आप हेलो जी सर। अच्छा, आई थिंक देयर वाज सम नेटवर्क इशू एंड प्रोबब्ली आई गॉट डिस्कनेक्टेड, नाउ आई एम बैक। यस सर। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की। तो आई वाज ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन। जब मोबाइल फोन आया था तो इट केम एज ए सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइस, जहाँ पे कि उसका लैंडलाइन कनेक्शन मिलना बड़ा कठिन काम था। लैंडलाइन की एक नए कनेक्शन को लगाने में टाइम लगता था। हेलो सर, स्क्रीन नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो
हेलो हाँ सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम माय कनेक्शन। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। नहीं सर। हाँ सर, अब दिख रही है। यस ओके। अच्छा, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जब मोबाइल फोन्स आए तो बेसिकली दे केम एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि इजीली अवेलेबल थी, जिसमें एक्टिवेशन इजीली हो सकता था। हम इस डिवाइस को लेके रूम कर सकते थे, अपने घर में भी, ऑफिस में भी, एक सिटी से दूसरे सिटी में भी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हम जा सकते थे। और एक सिंपल मैसेजिंग अवेलेबल थी, बहुत स्लो स्पीड का 2G डेटा अवेलेबल था, एंड दैट वाज ऑल अबाउट अ मोबाइल फोन, है ना। बट एक एप्पल ने क्या किया कि एप्पल ने जो है डिवाइस बनाई, और उन्होंने एक एप्पल का म्यूजिक का जूक बॉक्स बनाया, और उसके अंदर उन्होंने सारे रिकॉर्ड कंपनी से कहा कि भाई आज आप रिकॉर्ड्स बनाते हो, तो हम क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को एक चॉइस देना चाहते हैं कि जिस गाने को सुनना चाहे उस गाने को सुन सकते हैं, और हम आपको हर गाने के ऊपर एक रॉयल्टी पे करेंगे। तो म्यूजिक कंपनी ने सोचा कि ये पता नहीं प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, क्या चीज कर रहे हैं, बट दे मोस्ट ऑफ देम एग्रीड, और उन्होंने एक बहुत ठीक ठाक रॉयल्टी के ऊपर एप्पल के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। हुआ ये कि हमें जब हम पहले रिकॉर्ड खरीदते थे, म्यूजिक खरीदते थे, तो हमको एक एल्बम में या एक रिकॉर्ड में या एक कैसेट में एक या दो गाने हमारी पसंद के होते थे, बाकी चार पांच गाने जो होते हैं हमारी पसंद के नहीं होते थे। तो अगर हमें अपनी पसंद के चार गाने सुनने हो तो हमको चार रिकॉर्ड लेने पड़ते थे। बट नाउ द थिंग्स चेंज, डायनेमिक्स चेंज। ऑल ऑफ अ सडन जो है वो एप्पल ने एक म्यूजिक बॉक्स लॉन्च कर दिया। वो म्यूजिक बॉक्स उनके एप्पल फोन पे भी आया, और कई जगह पे वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रेप्लीकेट होने लगा। और जो म्यूजिक कंपनीज थी, जो उनका बिजनेस मॉडल था, जो रिकॉर्ड्स बना रहे थे, कैसेट्स बना रहे थे, सीडीज बना रहे थे, डीवीडीज बना रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन दैट गॉट वॉश्ड आउट। तो कई बार इस तरह के बताया एप्पल कुड कम अप विद अपॉर्चुनिटी कि दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, वेर एज अदर कंपनीज थॉट कि ये तो कुछ कर रहे हैं, इसका कुछ होने वाला नहीं है, बट देन दिस बिकेम अ रियल थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह जिस तरह से मोबाइल फोन में जब कैमराज आने लगे, तो जो कैमरा की बड़ी बड़ी कंपनीज थी, दे नेवर थॉट कि मोबाइल फोन्स कैन बी कंपटीशन टू देम। तो जो सिंपल डिजिटल कैमरा होते थे, वो कैमरा आज बिकने बंद हो गए हैं। तो ये काफ़ी सारे जो अगर हम शॉर्ट के ऊपर काम करें तो दिस रियली हेल्प्स अस एज इंडिविजुअल्स, एज ए टीम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए बिजनेस। यूजफुल सेल्फ मैनेजमेंट जिस तरह से हम फोकस्ड हैं, द एंड ऑफ द डे वी आल्सो नीड टू सी कि हम जो है नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल्स लिखे हैं कि जैज वर्सेस ऑर्केस्ट्रा, हॉकी वर्सेस लॉन टेनिस, सिचुएशनल लीडरशिप एंड कोरिलेशन विद मॉडल पॉपुलरली नोन एज ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके ऊपर कोई कुछ कॉमेंट करना चाहेगा इनमें से किसी एक मॉडल के ऊपर, इफ यू नो वन ऑफ देम। तो हम जैज वर्सेस ऑर्केस्ट्रा का एक मॉडल है, अगर आपने जैज प्ले करते हुए देखा हो और ऑर्केस्ट्रा को प्ले करते हुए देखा हो, तो एक मेजर डिफरेंस है कि ऑर्केस्ट्रा में यू विल ऑलवेज सी अ पर्सन जुबिन मेहता का, जो कि ऑर्केस्ट्रा को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे होते हैं, एंड ही इज मैनेजर ऑफ द टीम, एंड वो एवरीबडी इज लुकिंग टुवर्ड्स हिम। और वो जिस तरह अपने हाथ हिलाते हैं, अपने डंडे को हिलाते हैं, तो प्लेयर स्टार्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू दैट, है ना। तो दिस इज अ मॉडल जहाँ पे कि दिस इज बेसिकली प्योरली अ मैनेजर लेड मॉडल। ऑर्केस्ट्रा का जो मैडम मॉडल है, लीडरशिप स्टाइल जो है, वहाँ पे अगर जुबिन मेहता को प्ले करते हुए देखा हो, जुबिन मेहता को एक ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करते हुए देखा हो, तो ये मॉडल बिल्कुल डिफरेंट होता है। एट द सेम टाइम इफ यू सी अ जैज मॉडल, जैज में बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो हमारे सामने होते हैं, और एक एक करके एक एक प्लेयर आता है, और वो उस वक्त उस टीम का कैप्टन बन जाता है, उसका मैनेजर बन जाता है, और वो उस वक्त प्ले कर रहा होता है। तो
तो जो जैस का मॉडल है वो मॉडल ऐसा है कि ऑल मेंबर्स इन द टीम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ऑल मेंबर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड अ मेंबर कैन कम फॉरवर्ड एंड बी अ मैनेजर फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, देन ही विल कम बैक एंड अगेन टीम प्लेयर विल कम फॉरवर्ड एंड ही विल बिकम द मैनेजर. तो दिस इज हाउ, दिस आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल. एक लीडरशिप स्टाइल ये है कि विच इज अ मैनेजर लेड स्टाइल, अनदर लीडरशिप स्टाइल इज वन वेयर देयर मे बी अ मैनेजर, देयर कैन बी अ मैनेजर but at the same time everybody gets opportunity to come forward and display his skills. same चीज अगर आप देखेंगे तो हॉकी वर्सेज लॉन टेनिस का है. लॉन टेनिस अगर लॉन टेनिस के मैच को अगर हम देखेंगे तो लॉन टेनिस के टिपिकली जो कैप्टन होता है वो नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है. लॉन टेनिस के जो जो गेम्स होते हैं उसका कैप्टन होगा वो नॉन प्लेइंग कैप्टन होगा. एंड हाउ आर द टीम मेंबर्स आर प्लेइंग, अगर एक मेंबर का गेम है, दो मेंबर का गेम है, मिक्स डबल्स है, तो टीम मेंबर्स प्ले कर रहे होते हैं एंड कैप्टन इज सिटिंग आउटसाइड. व्हेयरएज इफ यू सी अ मैच लाइक हॉकी, हॉकी के मैच में ऑल्दो वी हैव अ कैप्टन बट जब खेल रहे होते हैं तो ऑल टीम मेंबर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट और वो आगे पीछे किसी को गोल करना है, पीछे जाना है, किसी को रोल प्ले चेंज करना है. तो दिस इज अ मॉडल विच इज मोर लाइक अ जैज मॉडल, यहाँ पे कि देयर इज अ कैप्टन बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सपीरियंस, हिज स्किल्स, हिज लीडरशिप क्वालिटी. While the game is being played, each and every team member is as good as captain. Each and every member has that opportunity to show his skills, to display his skills, and excel in his own game. Similarly, इसी में एक situational leadership का model है जो कि एक नदी का model है और नदी जो है अपना रास्ता खुद बनाती है. तो कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि देर आर सिचुएशन जहाँ पे है कि अ लीडर हैज टू स्टैंड अप एंड कोई स्टैंडर्ड मॉडल नहीं होगा कि मैं इसी मॉडल पे बिल्कुल रिजिड होके चलूंगा. ही नीड्स टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. जैसे नदी अगर बारिश आ गई और बिल्कुल अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, नए रास्ते की ओर चली जाती है, तो उसी तरह से एक लीडर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एज पर दिस सिचुएशन ही कम्स अप विद हिज ओन पाथ, ही शोज एवरीबडी अ न्यू डायरेक्शन, न्यू स्ट्रेटेजी एंड लीड्स एवरीवन. एक ब्रह्मा विष्णु महेश वाला मॉडल है जहाँ पे कि एंड ऑल दिस मॉडल्स आर कमिंग इन द सेम वे. ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बना के उन्होंने सृष्टि को छोड़ दिया कि अब सृष्टि जैसे चलेगी वैसे चलेगी. तो आप देखोगे ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता, मतलब ब्रह्मा जी एक भगवान है और उनके बहुत कम मंदिर है. शायद एक मंदिर है जो पुष्कर में है, कोई एकाध मंदिर कहीं और होगा, बट देन ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि बना के छोड़ दिया. तो मे बी दिस इज अ मॉडल जहाँ पे कि किसी प्रमोटर ने एक कंपनी बनाई और कंपनी बना के उसने लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि आपको जैसे चलाना है वैसे चलाओ. अब वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा भी चल सकता है, खराब भी चल सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टीम. विष्णु जी का मॉडल है जहाँ पे कि विष्णु जी जो है वो कहते हैं कि समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं एक आम आदमी की तरह पैदा हुआ और आम आदमी की तरह पैदा होकर मैं एक लीडर की तरह उभरूंगा और लोग मुझे फॉलो करेंगे. तो चाहे मैं रामचंद्र जी की तरह हूँ, चाहे मैं कृष्ण जी की तरह हूँ, मैं किसी भी तरीके से हूँ. तो वो एक मॉडल है जहाँ पे कि ही बिकम्स अ रोल मॉडल एंड और टीम मेंबर्स उनको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटी, बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप स्टाइल दैट विष्णु जी इज शोइंग. महेश जी का मॉडल जो है, जो शिव जी का मॉडल है, वी ऑल नो कि शिव जी के सबसे ज्यादा मंदिर होते हैं. हम एक पत्थर को भी शिव जी की तरह पूजते हैं और शिव जी अगर खुश हो गए तो आपको सब कुछ दे सकते हैं और अगर आपको नाराज हो गए तो आपको मतलब वो आपको भस्म भी कर सकते हैं. तो लोगों को डरा के, धमका के, या जो एक टिपिकल मॉडल जो पहले हमारे यहाँ पे होता था डिक्टेटरशिप मॉडल, वो जो मॉडल है वो डिक्टेटरशिप मॉडल है. तो वी कैन सी दैट हाउ दिस मॉडल्स फिट टुगेदर. लीडरशिप स्किल्स में इम्पोर्टेंट क्या है? लीडरशिप स्किल्स में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि लीडर जो है अपनी टीम के बिल्ड में ट्रस्ट बिल्ड करे, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करे. स्टेक होल्डर्स जो है हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारी दूसरी फैकल्टीज हो सकती हैं, एक मैनेजमेंट हो सकता है जिसके साथ हम ट्रस्ट बिल्ड करें. ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हम जो इंफॉर्मेशन है उसको
अगर शेयर करना है तो ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहे हैं, हम उसको मोड़ तरोड़ के शेयर नहीं कर रहे हैं या हम हाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रस्ट हैं, तो आपकी टीम में जो है आपके लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप होने लग जाती है एंड टीम मेंबर्स बिलीव स्टार्ट बिलीविंग इन यू। इंटीग्रिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। टीम बिल्डिंग, क्रिएटिंग अ टीम जहाँ पे कि आप ट्रांसपेरेंट हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, इंटीग्रिटी है, तो टीम मेंबर्स के साथ आप अगर आप टीम बिल्ड कर पाते हैं जहाँ पे कि टीम मेंबर्स दे वुड लाइक टू वर्क विद ए मैनेजर जो कि जिसका लीडरशिप स्टाइल जो है वो उन्हें पसंद आ रहा है, तो दिस ऑल हेल्प्स। लीडर शुड ऑल्सो बी एबल टू टेक डिसीजंस। बहुत टाइम, काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि हम बातें बहुत करते हैं पर जब एक्शन लेने की बात आती है, डिसीजंस लेने की बात आती है, तो लीडर्स हेजिटेट इन टेकिंग डिसीजंस। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक डिसीजंस एंड टेक डिसीजंस इन टाइम रादर देन पोस्टपोनिंग देम। बिल्डिंग रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे रिलेशनशिप आप अपने टीम्स के साथ बिल्ड कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स के साथ बिल्ड कर रहे हैं, कलीग्स के साथ बिल्ड कर रहे हैं, आउटर नेटवर्क के साथ बिल्ड कर रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बिल्ड कर रहे हैं, तो बिल्डिंग रिलेशनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ लीडर। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज अनदर स्किल विच इज इंपॉर्टेंट वेयर यू कैन हेल्प। अगर ऐसी स्टेज ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कि टीम इज लुकिंग टूवर्ड्स दी लीडर कि उसका वो सोल्यूशन दे सके, तो देन दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द लीडर शुड बी डिपेंडेबल। व्हेन टीम मेंबर्स नीड देयर हेल्प ही शुड बी एबल टू एक्सटेंड द हेल्पिंग हैंड। और लीडर जो है वो एक मेंटर का भी बहुत बड़ा काम करता है। तो ये एक स्किल्स, ये कुछ स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट मी प्ले अ वेरी स्मॉल वीडियो जिसमें कि एक लड़के, एक बहुत छोटे बच्चे ने कि रियल टाइम स्टोरी है बॉम्बे की, जहाँ पे कि एक छोटे से बच्चे ने एक लीडरशिप स्किल को डिस्प्ले किया है। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। Hindustan chale, Hindustan chale, Hindustan chale।
I'm not sure why the connection is not very good today. Can you see the screen now? Yes, yes, sir. Okay. So let's talk about the work ethics, and this is one of the very important soft skills. Aur ek bada important role play karta hai. We have seen many cases jahan pe ki employees they have lost their job just because they were not following ethical practices. And it's important ki if you are in an organization, you follow the policies, understand what is right and what is wrong. So isme, and I can give you some real time examples. What we have seen is employees jo hai jo apna CV banate hain to usme jo hai wo apni joining dates hai ek organization se dusre organization ke mein join karne mein kabhi life mein gap raha ho to us gap ko wrongly dates ka to cover kar dete hain ya agar koi unhone study mein gap raha ho 4 saal ki padhai 5 saal mein ki ho to usko cover karne ki koshish karte hain. So they come up with they write some facts in their CVs which can cause their job. So they had all the organizations today in the private sector wo ek background check karte hain. Background check karke kis company mein aapne kis date se kis date tak kaam kiya tha, aapki education ke jo credentials hain, whether those credentials are right or wrong, un cheezon ko dekh karke if there is a negative report, so then they fire employees immediately. We have seen in real time life ki bahut senior employees they were crying mere se galti ho gayi. Bahut chote si ek je case tha jahan pe keval 10 din ka usne ek overlapping period ko galat likha hua tha, and he was crying ki nahi ye to bahut chote si baat hai. Agar usne 10 din ka period agar over nahi likha hota, usne sahi fact diye hote, to he would not have lost his job, but then people lose their jobs. Similarly humne dekha ki when employees they move from one job to another job, they are paid relocation allowances. Ki aapko saman move karne ke liye gaadi ka truck ka fare pay kiya jayega, and then they create wrong bills. Matlab wo aise bill bana dete hain jo ki waqai mein hote hi nahi hai. Matlab ki kuch cases to humne aise dekhe ki un logon ne apne bill pads print kar rakhe the aur wo companies mein galat claim karte hain. There are many cases when employees join a new organization, they hear a lot of things and just hear some team members bolte hain ki yaar aisa kar lo chal jata hai, but finally over a period of time when things come under audit, it doesn't work. So ye bada important hai ki aap when we are in a organization, we follow real ethical policies. Government organization mein to generally ethical hota hai, but we have also seen cases in government organization ki yahan pe kisi ne apne character certificate ko galat lagaya hua hota hai, caste certificate ko galat lagaya hua hota hai, education ki degrees galat lagi hui hoti hain. And then it is found out over a period of time ki kuch cheeze galat hai, uske karan somebody can lose his job. To ye ek jo work ethics hai, this is a very important soft skill. Lastly I would cover 4 C's, and in 4 C's we'll cover customer, courage, change and collaboration. फोर्सेस के परस्पेक्टिव से ये है कि हम कहीं भी आज हम काम कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी अगर अपनी रिलेशनशिप देखें कि अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन में हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को अपना कस्टमर ट्रीट करने लग जाऊँ, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मैं ऑर्गेनाइजेशन में आईटी डिपार्टमेंट को रन करता हूँ, एंड मेरी आईटी सर्विसेज कस्टमर डिपार्टमेंट यूज़ करता है, सेल्स एंड मार्केटिंग यूज़ करते हैं, और टेक्नोलॉजी और कई सारे लोग यूज़ करते हैं, हमारे पार्टनर्स यूज़ करते हैं, इफ़ आई स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज माई इंटरनल कस्टमर, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. एंड इफ यू ट्रीट समबडी एज अ कस्टमर, तो देन वी एंड इफ यू कैन बी प्रोएक्टिव विद देम, प्रोएक्टिव कुड बी कि अगर उनको कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है तो हम उसको टाइमली उसको फिक्स कर दें, उनकी बातों को सुन लें, उनके चैलेंजेस को समझ लें, उनके साथ एम्पैथाइज करें कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, तो योर इंटरनल कस्टमर्स और एक्सटर्नल कस्टमर्स दे वुड बिकम रियली हैप्पी. तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कि आप वी कैन स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीबडी एज अवर कस्टमर, कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स हमारे कस्टमर हैं, अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो जो सर्विस कंज्यूम कर रहा है चाहे वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में चाहे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में, दे ऑल आर अवर कस्टमर्स. अगर हम वाकई एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स को ट्रीट कर रहे हैं कि कोई हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं जो हम बेच रहे हैं,
So from a customer's perspective, it is important that we are proactive with our customers, we understand their challenges, and we understand their requirements. Similarly, courage is a very important aspect ho gaya jahan pe ki, it's important that all of us have the courage ki hum risk le, hum innovate kare, hum existing cheezon ko challenge kare, and we experiment. And even if we experiment, if we fail fast. Hum bahut bada ek experiment karne ke badle, we can carry out some small experiments, small changes. And when we fail fast, it doesn't mean ki hum life mein fail ho gaye, but we can improve upon our, we can start learning from our failures and work for and start and address those failures and fir se hum jo hai innovate karte rahe. Kai baar hum log innovate karna chahte hain, hum samajhte hain ki koi change karna chahiye, but us change ko karne ke liye hum usko risk lene mein darte hain, kyunki agar hum ye karenge to ye failures ho jayenge. But agar hum failures ko samajhte hain aur un failures ke mitigation plan ke upar kaam kar le, and even if we fail, we can roll back and come back again, then it really helps. Similarly, change is a very important continuous process, and the world is changing fast. So, and change can come anywhere. So change can come in the existing process, way we do our business, way we work ourselves. And at the same time, it is important to accept that change has become a way of life. जैसे आज आप देखो कोविड आने के बाद सबसे बड़ा चेंज जो आया है कि हम लोग सब कुछ ऑनलाइन करने लग गए. अगर शायद कोविड नहीं आया होता तो आप आज जो हम ये वेबिनार कर रहे हैं, ये कोई क्लासरूम का प्रोग्राम हुआ होता जहाँ पे कि हम लोग एक डेट अनाउंस होती, सब लोग अपने सिटीज से अपनी जगह से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के किसी सेंटर पर हम लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर हम कर रहे होते. बट देन वी ऑल एक्सेप्टेड दिस चेंज की because of COVID, we need to maintain the social distancing, we need to avoid travel, and we need to adopt to online education, online webinar, online business, and to online mode. So change ek aisi cheez hai ki change is a continuous process, but it is also important to have a mindset of accepting the change and adopting in our life. Collaboration ki humne pehle hi baat ki ki collaboration is important for success, to be successful within the teams, across the teams, across geographies, and learning the best practices. And it also helps in learning from failures. So, main aapko ek chhota sa video dikhata hu change ke upar. Ek baar main is video ko enlarge kar deta hu. Ye ek eagle ke upar video hai. जो सर वीडियो बता रहे थे उसका मैं अगर बताऊं तो उस वीडियो में ये होता है, ईगल एक टाइम के बाद एक ऊंचे पहाड़ों पे जाके अपने आप को जो उसकी चीजें हैं उन्हें निकालना नोचना शुरू कर देती है और वापस से अपने आप को तैयार करती है अपनी आने वाली लाइफ के लिए. तो ये एक ईगल की एक अच्छी क्वालिटी है उस वीडियो में शायद सर, मुझे लगता है यही क्वालिटी ईगल की बताना चाह रहे हो. तो जो टॉपिक चल रहा है कि एक हम जितना काम कर चुके हैं उसको एक बार एक स्टेज पे जाके हमें एनालिसिस करना चाहिए और अपने आप को रिफ्रेश करके फिर से आने वाले जो वर्क काम है आने वाले उसके लिए तैयार करना होगा कि हम एक टाइम तक उसको करें. जैसे कि एक इसी तरीके से शेर को लेकर भी है कि जब सिंघा अवलोकन की जब शेर चलता है तो कुछ चलने के बाद वो पीछे पलट के देखता है कि उसने कितना रास्ता कवर कर लिया और कितनी दूरी तय कर ली है. तो उसी तरीके से शायद जो है सर इन दो वीडियो के माध्यम से
ये कहना चाह रहे होंगे। तो मीनवाइल अगर जब तक सर ज्वाइन होते हैं रीज्वाइन होते हैं तब तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है या ऐसी कोई बात अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर से सर किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है और अगर कुछ हो इन बिटवीन कोई क्वेश्चन होगा तो आपके साथ मेल पे या आगे उसके साथ शेयर किया जा सकता है आपके साथ। तो सर थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन, खासकर जो ब्रह्मा विष्णु वाला कंसेप्ट आपने बताया था सर काफ़ी अच्छा था, और सर वीडियोस आपके काफ़ी अच्छे थे, खासकर जो लास्ट में ईगल वाला जो आप बताना चाह रहे थे, मैंने पार्टिसिपेंट्स को भी बताया कि एक टाइम के बाद ईगल जो है अपने आप को रिशेप करती है और सारी चीज़ें करके फिर आगे की लाइफ को, इसलिए वो 70 साल तक जी सकती है, ऐसे कुछ वीडियो में आप शायद बताना चाह रहे होंगे। मतलब वो अपने आप को चेंज करती है, अंडरस्टैंड्स की एक्सेप्ट दी चेंज की चेंज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बीक जो है वो बीक को तोड़ती है और बीक दोबारा से नई बीक आती है और उसके बाद वो अपने पंखों को निकाल देती है, फिर से नए पंख आते हैं और फिर वो उसी एक तरह से जो उसका रिबर्थ हो जाता है। जी जी तो सर हमें भी इसी इस तरीके से जैसे कोविड आया उसके बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई है, हम सेमिनार से वेबिनार पे आए हैं तो हमें भी ये टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ चेंज करना ही चाहिए, यही एक सर ने अपने उस लास्ट कंक्लूड में किया होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन एंड होप हमें आगे भी आपका गाइडेंस इसी तरह मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू, नमस्कार।